फिल्मों में हेराफेरी करने वाले नीरज ने कहा, बस अब अकेले हम अकेले तुम। फिल्मों में उन्होंने जमकर हेराफेरी की, खूब हंसाया मन से, हेराफेरी से और बहुत सारी फिल्मों से। वे लेखक थे, एक बेहतर निर्देशक थे और शानदार अभिनेता भी। बहुमुखी प्रतिभा के धनी नीरज वोरा हमारे बीच नहीं रहे। आज सुबह 4 बजे उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हें शायद यही ठीक लगा कि अब अकेले हम अकेले तुम। अकेले हम अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। नीरज वोरा ने रंगीला, अकेले हम अकेले तुम, जोश, बादशाह, चोरी चोरी, चुपके चुपके, आवारा पागल दीवाना, दीवाने हुए पागल, अजनबी, हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी जैसी फिल्में लिखी हैं। खिलाड़ी 420 और फिर हेरा फेरी जैसी फिल्मों का निर्देशन किया और दर्जनों फिल्मों में अपने अभिनय से हम सबको प्रभावित किया है। वे फिर हेरा फेरी पार्ट 3 बनाने जा रहे थे। इस बार अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम को भी उन्होंने इस फिल्म में लिया है। बाबा राजो के दे रहे वो 1000 रुपए का नोट का छुटा कराने गया साल, अब तो कह नहीं है, 4 घंटा हो गया, किधर है रे? ये तो राजो नहीं है रे, तो डुप्लीकेट है। देख बाबा, अपना नाम है ना चेंज नहीं करने का, समझ गया? अपना नाम अपना होता है, फिर कितना भी फालतू और हलकट क्यों ना हो, अपना नाम नहीं बदलने का। और मेरे बाप ने मेरे पैदा होने से पहले ही मेरा नाम राजू रख दिया था क्या? क्या बात करता हूँ, मैंने तेरे बाप को पहले से पता था उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। पर इस दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई। नीरज ने न जाने कितनों के करियर को आसमान तक पहुंचाया, पर बीमारी के मुश्किल वक्त में उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। अलबत्ता हमारा सलाम निर्माता फिरोज नाडियाद्वारा को, जिन्होंने अपने जुहू स्थित घर बरकत विला के एक कमरे को नीरज के लिए आईसीयू में तब्दील कर दिया। पिछले करीब 11 महीनों से यह आवारा पागल दीवाना इसी बिस्तर पर अपनी जिंदगी की हेरा फेरी कर रहा था। धीरे धीरे दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, पर नीरज का मन नहीं माना। उन्हें तो फिर हेरा फेरी पार्ट 3 करनी थी। पर जनाब, अंधेरे हॉल के रुपहले पर्दे पर चमक बिखेरने वाले अक्सर इसी बेरहम काले सच का शिकार होते हैं। इस जद्दोजहद के बीच अकेले पड़ चुके नीरज ने आखिर जिंदगी को कह ही दिया कि अब बस अकेले हम अकेले तुम। रख, रख तेरी माँ की, रख। एक तो इधर जान जा रही है, तेरे को मछली की सोच रही है। ये भी राजू, लेकिन दोनों नकली राजू है रे, नकली है दोनों। फिर ओरिजिनल किधर मिलेगा? अरे ओरिजिनल आइडिया नहीं मिलता तो ओरिजिनल आदमी कहाँ से मिलेगा? ये बाबूराव का स्टाइल है। जब कभी आपको ये आवाज सुनाई देगी, नीरज हमें बहुत याद आएंगे। अशोका न्यूज की भावभीनी श्रद्धांजलि।